सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो। आप बैठे बैठे कितनी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट कर रहा हूं। प्लीज, फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आपके एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें, वो लिखित में देखे गए, इसलिए आपको। स्पीकर सर बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। हाँ सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और नंबर देना। आपके माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।